बीच में मौलाना उमरान साहब, उनको भी हक है, उनको भी अधिकार है। मैंने कहा कि एक फकीर को भी अधिकार, अगर उसकी वो बीसी नहीं उड़ेगी मौलाना रहते तो बीसी नहीं मिलती। और हमने तो बोला था ना तन मन, लेकिन उनको भी मायूस किया गया, उनको भी डराया गया, अलग अलग लोगों को भेजा गया, उनको डराने के लिए, दबाने के लिए। मैं तो असेंबली का कैंडिडेट भी हूं ना, अगर वो असेंबली की बात करते तो मैं बोलता था नहीं मौलाना, मैं तुम्हारे सामने धुलिया और मालेगा जो आज मिला हुआ है ना, ये आखिरी इलेक्शन होगा और डिमिलिटेशन जब होगा तो धुलिया और मालेगा को तोड़ दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरी बात को लिख कर रखना। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, अमरीश भाई पटेल से जाके पूछ लेना, दो इलेक्शन अमरीश भाई पटेल का शेख रशीद साहब की क्यादत में लड़े, कोई पार्टी फंड नहीं लिया हमने, सिर्फ जो तो ठीक है। आज मैं बोलता हूं मेरी पार्टी अगर मेरे पे कार्रवाई करेंगे तो मैं तैयार है पार्टी की कार्रवाई झेलने के लिए। सब एक प्लेटफार्म पर आ जाओ, एक प्लेटफार्म पर आ जाओ, देता हूं मैं तुमको टाइम, जुमा तक नॉमिनेशन का है। पैरा मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरा मेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर कैंप रोड। मंच पे तस्वीर वर्मा और मेरे सामने तस्वीर वर्मा, तमाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी अहदेदारान, तमाम ही पार्टी और सेल के तमाम ही अहदेदारान, महिला विंग के तमाम अहदेदारान, हमारे मीडिया के तमाम ही हमारे दोस्त दोस्तों और साथियों, आज हम यहाँ पर फैसला लेने के लिए जमा हुए। बनाई थी पार्लियामेंट का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्यौहार जमहूरियत का, हमारे मुल्क का शुरू है। अलग अलग फेज में, अलग अलग टप्पे में पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे हैं और हमारे धुलिया पार्लियामेंट हलके के अंदर 20 मई को वोट डाले जाने वाले हैं, इलेक्शन है। और हमारे देश के संविधान के अंदर ये खूबसूरती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, जेंट्स हो, जिसका वोट आता है वो उम्मीदवारी कर सकता है पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी और कॉरपोरेशन में भी, ग्राम पंचायत में भी। यही खूबसूरती हमारे संविधान की है। हमारा अपना हलका, मैं खास तौर पर आज थोड़ी सी तफसील बात करना चाहता हूं और हमारे तमाम मीडिया के साथी मेरी बात को हमारे शहर की आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये मैं अपील करता हूं। हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारा पार्लियामेंट हलका रिजर्वेशन रहा, एसटी रहा, पहले दो इलेक्शन जनरल रहे, याना जादव साहब और माधव राव जादव साहब। आजादी के बाद दो जनरल मालेगांव हल्के से छोड़कर पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद ये हल्का हमारा शहर जिधर गया
फिर वो एसटी कैटेगरी के अंदर चले गए, रिजर्वेशन चले गए, जो आदिवासी भाई चूंकर जाता रहा। कभी झांगरू मांगरू कांदोले और कभी हरिशंकर माले, ये दो लोग ही चूनकर जाया करते रहे, कभी कांग्रेस से कभी जनता दल। उसके बाद हरिचंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी से एसटी सीट के ऊपर आखिरी इलेक्शन हुआ और हरिचंद्र चौहान चूनकर पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद टीम इलेक्शन हुआ, हल्का बंदी हो गई और हमारा शहर धुलिया के अंदर जोड़ दिया गया और उसको नाम दिया गया धुलिया पार्लियामेंट हल्का। डिमिलिटेशन होने के बाद प्रताप राव सोनोने पहले खासदार बने जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठे। जनरल कैटेगरी कोई भी लड़ सकता है, प्रताप राव से उन्होंने गए। प्रताप राव से उन्होंने के बाद डॉक्टर सुभाष भामरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो मरतबा बने। 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी से चुनकर गए, जनरल कैटेगरी। और इस 2024 का चुनाव चल रहा है, यह 2024 का चुनाव पूरी दुनिया के अंदर हर मुमालिक नजर लगाया हुआ बैठा है कि हिंदुस्तान के अंदर आवाम क्या फैसला करती है। एक तरफ इंडिया गाड़ी है, दूसरी तरफ इंडिया गाड़ी है, चुनाव चल रहे हैं। और डिमिलिटेशन जो हल्का बंदी होती है, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि 370 भाजपा की पीवर सीट डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इशारा कश्मीर की तरफ, इशारा कश्मीर की तरफ, वहां पर 370 कलम थी वो हटा दी गई, उस तरफ इशारा किया गया। कश्मीर को अलग अलग हिस्सों में भी तकसीम किया गया, रियासत बनाई गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि यह चुनाव के बाद में 29 में शायद नए पार्लियामेंट के हलके बने, नए डिमिलिटेशन हो गए, और हो सकता है कि जिस तरीके से कश्मीर को तोड़ा गया, हो सकता है कि धुलिया और मालेगांव को भी डिमिलिटेशन के अंदर तोड़ दिया जाएगा। मेरा इशारा समझ लो, आऊंगा आऊंगा ना, तोड़ दिया जाएगा, हो सकता है हमारी योजनाओं को बात अलग कर दिया जाएगा अभी, और इसके लिए ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहमियत का है। अब जाहिर सी बात है, अगर शेख रशीद साहब हयात होते, दुनिया में होते हमारे बीच, तो मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि शेख रशीद साहब अभी उम्मीदवार होते, लेकिन अल्लाह का कुछ और मंजूर था। शेख रशीद साहब बोला करते थे कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, और शेख रशीद साहब की बातों को ही मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी पार्लियामेंट का इच्छुक उम्मीदवार हूं, ख्वाहिशमंद हूं। और कई लोग दलील देते हैं, हमारे मुखालिफ बोलो माफी के साथ, या कुछ स्कॉलर लोग बोलो
या अपने आप को बहुत महारत रखने की शहर में बताते हैं कि हम बहुत माहिर हैं, हमको बहुत राजकरण समझता है। ऐसे बताने वाले को भी मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कहा ना कि हिकमत हमले से इलेक्शन होते हैं, लेकिन अलग अलग ओपिनियन पोल, अलग अलग बातें कि मुसलमान तो चुन कर ही नहीं आएगा ये हल्के से, इस तरीके की बातें करके मायूस करने का काम शहर को मालेगांव शहर के अंदर किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? अपने जाति मुफाद के लिए किया जा रहा है, कौम के लिए नहीं, अपने खुद के जाति मुफाद के लिए किया जा रहा है। मैं आज तुमको गणित बता देता हूं, 5.5 लाख पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा पार्टी कार्यालय है, हमको समझता है आचार संहिता इलेक्शन है, पार्टी कार्यालय के ऊपर कोई परमिशन नहीं लगता। अगर जब हम रोड के ऊपर जलसा वगैरह ले गए तो जब ये कोई प्रचार सभा नहीं है, ये प्रचार सभा नहीं है, कोई कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगी जा रही है, ये हमारे एक पक्ष के कार्यकर्ताओं की बैठक है। इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट से विनंती हाथ जोड़कर कि कायदा हमको ना समझाए, आप लोग वापस जाए। एक पार्टी की पक्ष की बैठक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रात को 2 बजे तक बैठक लेते, हमको समझता है। और अभी मैंने कोई नॉमिनेशन नहीं किया जो मेरे पे आचार संहिता भंग हो। दोस्तों और साथियों, मायूस करने का काम ये शहर में किया गया, 5.5 लाख वोट है मालेगांव शहर के अंदर, धुलिया हल्के के अंदर 5.5 लाख तकरीबन मुस्लिम समाज की वोट है, टोटल वोट 20 लाख है, उसमें से 5.5 लाख यानी हमारा अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो 25% इस हल्के के अंदर हमारे अपने समाज की, मुस्लिम समाज की वोट है। मराठा भाइयों की 7.5 लाख वोट, 2 नंबर पे हमें, हमारे ओबीसी भाई जो है, चाहे वो माली समाज हो, चाहे वानी समाज हो, अलग अलग जो ओबीसी समाज में आते हिंदू भाई, उनकी तकरीबन 2 से 2.5 लाख के बीच में वोट। आदिवासी समाज, उनकी भी वोट तकरीबन 2.5 लाख वोट है। फिर दलित समाज तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोट है। उसके बाद छोटे छोटे कास्ट मिलाकर ऐसे कुल वोट 20 लाख है इस हल्के के। और अगर उम्मीदवारी की ख्वाहिश अगर मैंने जाहिर किया तो हवा में नहीं, और सिर्फ मुस्लिम वोट के भरोसे नहीं, बल्कि सिर्फ शेख रशीद साहब की वजह से, शेख रशीद साहब ने जो अपने सियासी करियर बनाया, जो हर समाज हर धर्म को शेख रशीद साहब लेकर चले, उस वजह से मैंने कहा कि हमारे परिवार से अगर मैं उम्मीदवार रहूंगा तो हिंदू भाई भी वोट देने के लिए बिल्कुल एक पैर पर तैयार है। उन्होंने आके जब साफ तौर पर कहा कि बोले हम कोई भी पार्टी में रहेंगे, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इसी तरीके से दलित भाइयों ने भी कहा, और हर समाज के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने कहा कि आप लड़िए। और ना तो मुझे बताइए आपके कौन ऐसा उम्मीदवार है जो चुनकर आ सकता है।
और आप ये तो सोचिए कि 19 के अंदर जो असेंबली का चुनाव हुआ, अगर एक प्लेटफॉर्म पर सब आ जाते, तमाम ही सियासी पार्टी के लोग, तमाम ही हमारी दीनी तंजीमें, सामाजिक तंजीमें अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते तो आपने देखा कि असेंबली के अंदर मैं उम्मीदवार था, हमारे मध्य मुकाबले मुफ्ती इस्माइल साहब थे, इनकी अगर टोटल वोट जो पड़ी थी वो 210,000 पड़ी थी, पड़ी थी 210,000 सिर्फ सेंट्रल असेंबली हल्का। धुलिए के अंदर फारूक शाह जो अंबर है उनको कितनी वोट पड़ी, 50,000 के लगभग पड़ी, कितने 50,000 के लगभग, 260,000-270,000 हो गई। और अलग अलग जो उम्मीदवार थे धुलिए के अंदर, जो हिंदू भाई जो उम्मीदवार थे उन्होंने मुसलमान वोट लिया, कुछ अलग अलग वोट जो बटी ये मिलाएंगे तो असेंबली के अंदर, इस पार्लियामेंट हलके के अंदर मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि 3,00,000-3,00,000 वोट मुसलमानों ने दिया था, वो अलग अलग पार्टियों को दिया होगा लेकिन वोट गिरी थी। आज 5 साल गुजर गए, 5 साल के बाद आज वोट बढ़ी है, नए नौजवानों की वोट बढ़ी है, और अगर सब एक प्लेटफॉर्म पर रहते और अगर ताकत से हम लोग अगर वोट गिराने की कोशिश करते तो मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि 3.5 लाख वोट 5.5 में से हम गिरा सकते थे, लेकिन इस जानिब कोई सोचा ही नहीं, सिर्फ मायूस किया गया। और अगर दलित भाई वन साइड और अगर संविधान बचाने के लिए अगर हम एक जगह आते और हिंदू भाई और ओबीसी भाई मराठा भाई अगर आते तो मैं यकीन के साथ बोलता हूं कि खासदार शेख रशीद परिवार से इंशाल्लाह रहता था। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 20,00,000 वोट उम्मीदवार सिर्फ दो ही लड़ेंगे क्या, उनको ही अधिकार है। अरे अभी तो नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ, कल फॉर्म उठाए गए परसों, अब कल से नॉमिनेशन होगा, कम से कम 25-50 उम्मीदवार रहेंगे, तो जरा हिम्मत की तो बात किया करो, सोच के बात किया करो। टेबल के ऊपर पेपर के अंदर न्यूज छपवा देना, व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ लिख देना, और मुसलमानों को और कौम को मायूस करना सिर्फ अपने जाति मुफाद के लिए। तो ठीक है, आज मैं बोलता हूं मेरी पार्टी अगर मेरे पे कार्रवाई करेंगे तो मैं तैयार है पार्टी की कार्रवाई झेलने के लिए। सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, देता हूं मैं तुमको टाइम, जुमा तक नॉमिनेशन का है, देता हूं मैं टाइम, करो दो दिन का टाइम देता हूं, चलो सब शहर के सियासी नेता सब लोगों ने मिलकर, चलो मेरे को जिम्मेदारी से बोलता हूं कि हमारे परिवार के साथ जातिवाद नहीं होगा, हिंदू भाई भी मजबूती के साथ खड़ा रहे। 5 से 6 कारपोरेटर 2 दिन पहले धुरिए के मेरे पास आए, अलग अलग पार्टियों के थे, उन्होंने कहा कि आसिफ भाई आप इलेक्शन लड़िए, हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन लड़िए। ये मैंने मेरा गणित मेरा हिसाब बताया हूं, बीच में मौलाना उमरान साहब उनको भी हक है, उनको भी अधिकार है। मैंने कहा कि एक फकीर को भी अधिकार अगर उसकी वोट आती और एक अडानी को भी अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, तो मौलाना उमरान के अलग है। अगर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की मीडिया में, उन्होंने कहा अगर कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया और अगर हमने कहा कि अगर आजाद उम्मीदवार मौलाना उमरान साहब रहेंगे तो हम बिल्कुल आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पार्टी 2 नंबर पे पहले आप, क्या गलत कहा,
मैं गया उनसे मिलने के लिए, जाके मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा मुझसे, हमारी चर्चा हुई, मैंने भी कुछ मशवरा दिया, उन्होंने भी कुछ बातें रखी। आप मौलाना उमरान साहब को क्या समझते हैं? सिर्फ मालेगांव शहर के आलिम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी है, कम उम्र में उन्होंने क्या तहरीके चलाई? सिर्फ हम तो यही देखते कि ट्रिपल तलाक था तो मौलाना ने तहरीक चलाई, एनआरसी हुआ तो मौलाना ने तहरीक चलाई। नहीं, जब दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, मॉब लिंचिंग हो रही थी मुसलमानों के साथ, जब चर्च तोड़े जा रहे थे यही हुकूमत के वक्त, तो मौलाना ने दलित मुस्लिम और सभी धर्म और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट से दलित भाइयों के साथ मिलकर वामन मिश्राम जो बहुत बड़े दलित नेता है उनके साथ एक मंच के ऊपर उन्होंने तहरीक चलाई थी। जाहिर सी बात है वामन मिश्राम जो बड़े दलित नेता है, मौलाना के असर रसूख है, हो सकता वंचित का कैंडिडेट हो, विड्रॉल करवा लेते, वंचित की हिमायत दे लेते, ओबीसी नेता आते उनके लिए, उनके ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है हिंदू मुसलमान का, सिर्फ वो एक आलिम है, बस इतना ही है ना। क्यों हिंदू भाई वोट नहीं देते? उनके पास भी हिसाब बराबर था अगर एक प्लेटफॉर्म पे सब आ जाते, लेकिन उनको भी डराया गया, उनको भी नर्वस किया गया। अरे इलेक्शन में दो ही चीज होती है, या तो जीतते हैं या तो हारते हैं, हार जीत का खेल है। और अगर अल्लाह को जो मंजूर है इज्जत और जिल्लत, तो हमारा ईमान अल्लाह देता है, लेकिन उनको भी मायूस किया गया, उनको भी डराया गया, अलग अलग लोगों को भेजा गया, उनको डराने के लिए, दबाने के लिए। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई नौजवान आलिम अगर खड़ा हो रहा है, और वो तो यार असेंबली लड़ने की थोड़ी बात कर रहे थे, अगर वो असेंबली में रहेंगे तो क्या मैं वापस हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो असेंबली का कैंडिडेट भी हूं ना। अगर वो असेंबली की बात करते तो मैं बोलता था, नहीं मौलाना मैं तुम्हारे सामने, मेरी भी विचारधारा, मेरी भी पार्टी है, मेरी भी वोट बैंक है, मैं लड़ता था। लेकिन वो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, तो खौफ क्यों असेंबली का था, क्यों डर था, ये भी सवाल है। अरे पार्लियामेंट में भेजते, वहां पे कौम की नुमाइंदगी करते, शरीयत में जो मुदाखलत भारतीय जनता पार्टी कर रही उसको रोकने का काम करते, आवाज उठाने का काम करते। दो भाई खलीफा जैसे फिक्सिंग नहीं करते मैच फिक्सिंग, ईमानदारी से, तकवे से, आग में आग डाल के बात करते, और इनपे ईडी की कार्रवाई भी नहीं होती क्योंकि इनके पास माल भी नहीं। लेकिन मैं बोला ना कि जाति मुफाद हावीरा, जाति मुफाद, बिस्सी नहीं उड़ेगी, मौलाना रहते तो बिस्सी नहीं मिलती। और हमने तो बोला था ना, तन मन धन सब लगा देंगे। अब कौम के लिए अगर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, तो मेरा शहर की आवाम से सवाल है कि दूसरी पार्टी के लोग क्यों कुर्बानी देने तैयार नहीं थे? ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि ये क्यों अखबार के अंदर इस पर तबसरा नहीं किया जा रहा है? क्यों घर के अंदर बैठ के जो राइटिंग में लिखते वो ये बात क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया के ऊपर इस पर तबसरा नहीं हो रहा है? तो बिस्सी का मसला है, असल बिस्सी अगर खत्म हो जाएगी। पिछले अमीर तरीन शख्स थे अमरीश भाई पटेल, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अमरीश भाई पटेल से जाके पूछ लेना, दो इलेक्शन अमरीश भाई पटेल का शेख रशीद साहब की क्यादत में लड़े, कोई पार्टी फंड नहीं लिया हमने, सिर्फ जो इलेक्शन लड़ने जो अखराजात लगते जमीनी वर्करों के लिए वही लिए। और अल्लाह का करम है कि शेख रशीद साहब भी हयात थे, उन्होंने भी अपनी जेब में हाथ डाल के अपना लगाया, और उस वक्त कुणाल पाटिल के लिए भी हमने हाथ हमारे जेब से निकाला। अल्लाह का करम है, कोई बोल नहीं सकता कि हमने पार्टी फंड लिया।
इसलिए एकदम रुबाब से बात करते, झुक के बात नहीं करते। शहर के अंदर चाहे कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, कितना भी प्रेशर आ जाए, इसके लिए कि साफ सुथरे हैं। आज हमको फैसला लेना है, लेकिन अभी मीडिया के हमारे साथी है, इनकी तो तीसरी आंख रहना चाहिए लेकिन है नहीं। माफ से मजाक से बोल रहे तो बोलेंगे। कुछ तो भी खिचड़ी शहर में पक रही है। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ तो भी शहर में खिचड़ी पक रही है। दो दिन के अंदर हो सकता है जो खिचड़ी पक जाएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो दाल खिचड़ी थी, कि वो सब्जी खिचड़ी थी, कि वो मटन खिचड़ी, पता चलेगा। कोई भी तो खिचड़ी बाहर हल जरूर पक रही है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन हमारा ठीक है, सियासी शहर के अंदर मुझे जो तबसरा करना था, जो बात बोलनी थी, मैं तफसील बोल रहा हूं, गणित बता रहा हूं। लेकिन आखिरी इलेक्शन होगा, याद रखना, धुलिया और मालेगा जो आज मिला हुआ है ना, ये आखिरी इलेक्शन होगा। और डिमिलिटेशन जब होगा तो धुलिया और मालेगा को तोड़ दिया जाएगा, ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरी बात को लिख कर रखना, आप चांस नहीं मिलने वाला। ठीक है, हमारे लिए तो और मैदान है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, हारे या जीते, हम तो मैदान में ही है। छह महीने बाद हमारी किस्मत आजमा लेंगे, फिर मैदान में कूद जाएंगे। लेकिन आज जरूरत थी कि शहर एक जगह आता, जरूरत थी कि दीनी तंजीमें इसके अंदर पहल करती, जरूरत थी कि शहर के बाशऊर लोग इसके अंदर पहल करते और एक प्लेटफार्म आते और उसके ऊपर तबसरा करते। लेकिन मौसम और गिरना के पार तो अपन कभी सोचते ही नहीं, सभी दर ही सोच लेते, यही बैठ के तबसरे हो जाते। ऐसा नहीं है, हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। सब फिरका परस्त होते ऐसा नहीं है, अगर सब फिरका परस्त होते तो चाहे 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव, चाहे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव का अगर वोट परसेंटेज आप अगर देखोगे निकाल के पूरे मुल्क का, तो अपोजिशन के अंदर जो वोट पड़ा है वो 63% पड़ा है, 63% पड़ा है 2014 में। लेकिन वोट के बंटवारे के वजह से सत्ता में भाजपा आई, और 2019 के अंदर भी ज्यादा वोट परसेंटेज अपोजिशन को पड़ा है। ये सब सेकुलर लोग है, संविधान को मानने वाले लोग है, इसके लिए आज हम यहां पर खड़े हुए हैं। तो नजरिया ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर हिंदू भाई है तो फिरका परस्त, ऐसा नहीं है। वो सेकुलरिज्म अगर आज ये देश खड़ा है मजबूती के साथ खड़ा है, तो गंगा जमुना तहजीब के साथ खड़ा हुआ है, वो गंगा जमुना तहजीब अभी बरकरार है, इसलिए इंडिया अलायंस बना। तो सोच बदलना पड़ेगी, उसके बिगैर हम सियासत नहीं कर सकते, उसके बिगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, उसके बिगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम हमारी कौम का फायदा नहीं कर सकते। बहरहाल मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं कि जो मैं उम्मीदवारी करना चाहता था पार्लियामेंट की, मैं आज मेरी उम्मीदवारी, मेरी ख्वाहिश मैं वापस लेता हूं, मैं पार्लियामेंट की उम्मीदवारी नहीं करूंगा। लेकिन अगर शहर के तमाम ही सियासी पार्टी के लोग, शहर की दीनी तंजीमें अगर चाहती है कि शेख आसिफ उम्मीदवारी करे, तो दो दिन पीर और मंगल तक मैं इंतजार करूंगा, और अगर वो बोलेंगे
तो फिर आप शहर की आवाम एक साथ एक प्लेटफार्म पे आए, इंशाल्लाह ये भाजपा को टक्कर देने की ताकत हमारे शहर के अंदर है, हमारे तालुके के अंदर है, हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर है। ये बात का आज मैं ऐलान करता हूं। लेकिन अभी वापस उम्मीदवारी मांगा, अब इंडिया अलायंस की हमारी उम्मीदवार है, आज हम इंडिया अलायंस में हूं। अगर मैं बंडखोरी करता तो मुझे अकाला जाता, निकाला जाता, कार्रवाई होती है। अभी तो हूं ना, लेकिन आज मैं उम्मीदवारी मांगा ले रहा हूं। लेकिन हमारी ये पार्टी मीटिंग के अंदर मुझे हक है कि हमारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार जो आज है, वह मुसलमानों को ये ना समझे कि हमारी मजबूरी है। अगर हमारे मंच शेयर नहीं होगी या इलेक्शन खड़ा नहीं होगा, जो जो भी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो भी पार्टी अलायंस में, कब इलेक्शन उठेगा, कब खड़ा होगा, ये मीडिया भी पूछ रही, आवाम भी पूछ रही, ऐसा नहीं है। आज तुमने शुरुआत की, अभी तायरा मैडम साहिबा ने बताया कि 7 तारीख को, पहले तो 3 तारीख को गांधीनगर के अंदर जलसा है, 3 आने वाले जुमा को गांधीनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट का, हमारी पार्टी का वहां पर जलसा है। हमने शुरुआत कर दी, अब कोई आए ना आए, कुछ बोले ना बोले, हमको संविधान बचाना है, हमारी तैयारी शुरू होगी। 7 तारीख को डायमंड लॉन्स में महिलाओं का, लेडीज का मेला हुआ है। मैं तमाम ही हमारे जिम्मेदार एक्स कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर, जिम्मेदार सबसे बोलूंगा कि महिला विंग आप तक पहुंच रही है, अपनी हार्ड लेडीज वर्करों को भेजो ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके। 12 बजे डायमंड लॉन्स आगरा रोड पर। उसके बाद 10 तारीख को, 10 मई को शिकारी चौक सर्वे नंबर 57 में जलसा होगा हमारा। उसके बाद 17 मई हो सकता प्रचार का लास्ट दिन रहे, मुशायरा चौक पर जलसा होगा, हमने परमिशन मांगा। 3 जलसा और फिर अलग रिक्शा अलग घूमेंगी, कॉर्नर मीटिंग अलग होगी, वो तमाम ही चीजें आपको वक्त वक्त पे बताई जाएगी। हमने शुरुआत कर ली है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच से इंडिया गाड़ी की एक घटक पक्ष होने के लिए, साथ में हम साथ है इसके लिए, मैं अध्यक्ष हूँ शहर का इसके लिए, हमारी कैंडिडेट से आइए। हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, हम ये तैयारी में, आपने यादी नहीं भेजा लेकिन हमने यादी लाया, उम्मीदवार की यादी नहीं आई, हमने हमारे शहर की यादी हमने मंगवा ली, उसका 3 सेट बनाने दे दिया, हम हमारे वर्करों को, हमारे जिम्मेदारों को दे के स्टडी पे लगा देंगे, वक्त तो बहुत कम है। लेकिन आइए चर्चा करिए, कैसे भाजपा को हरा सकते, कैसे वोट परसेंटेज बढ़ेगा, कैसे टीम वर्क खड़े होगा, कैसे सभाएं होंगी, कैसे रैली निकलेंगी, कैसे प्रचार होगा, हम भी सलाह मशवरा करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी हमारी उम्मीदवार इंडिया अलायंस की जो आज है, अगर वो बोलेंगे नहीं आपको ऐसी वोट देना है, तो हम हमारे वर्करों को बुलाएंगे, बोलेंगे भैया और शहर की आवाम को बोलेंगे वोट दे दो, मजबूर लोग हैं दे देंगे। बहरहाल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम यार वाद नहीं चाहते, हम इख्तलाफ नहीं चाहते, हम आपको एक अदना, इस देश का शहरी होने के नाते, भाजपा के खिलाफ होने के नाते हम सलाह दे रहे हैं, यही मेरा आज उनको मशवरा रहेगा। लेकिन अब अगर चर्चाएं होगी, नॉमिनेशन होगा, उसके बाद कौन कौन मैदान में आता, फिर आप 3 तारीख को बाकी की बातें मैं वहां पर खुलकर बोलूंगा, फिर उसके बाद वोट मांगूंगा। आज मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ उम्मीदवार के लिए, क्या बोल रहा हूँ, आज नहीं वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि कानूनी प्रोसीजर चल रहा है, उम्मीदवार कौन है, सारी चीजें तकसीम कौन सी निशानी है, मेरे को निशानी भी नहीं मालूम है उम्मीदवारों की, तो वोट मांगूंगा। लेकिन 3 तारीख के जलसे से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे मशवरे से नवाजा, मीडिया ने साथ दिया, मीटिंगें हुई, दौरे हुए, रिपोर्ट आई, अच्छी रिपोर्ट आई, उसके बावजूद